देखिए विकास क्या है, अभी तो पूंजी और बाजार के आधार पर जो भी कार्य होता है उसी को विकास है ऐसा मान रहे हैं। विकास में प्राकृतिक संसाधन और मनुष्य शक्ति का योगदान निवेश होना चाहिए, वो एक अलग सी पूंजी है और उस पर जीने वाले, उस पर जीविका रखने वाले जो लोग हैं उसमें किसान, मजदूर, मछुआरे, दूध व्यवसाय करने वाले, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी, ये सब शामिल हैं। और इसलिए गैर बराबरी जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में है, प्रकृति पर जीने वाले और पूंजी बाजार पर जीने वाले, ये हम पहले से कहते आए हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि अब ये गैर बराबरी मिटाने के लिए जो भी प्रकृति से आने वाली, मेहनत से आने वाली उपज या उत्पादन है उसके दाम दुगुने चौगुने होने चाहिए, डेढ़ गुना भी एक तो न्यूनतम है पर ऑप्टिमम होना चाहिए ताकि उनके बच्चों की शिक्षा, कपड़ा, मकान, ये सब ज़रूरतों की भी पूर्ति हो सकेगी। और इसीलिए विकास के नाम पर विस्थापन ही विस्थापन भुगतने वाले जो प्रकृति पर जीने वाले समुदाय हैं वो आज कह रहे हैं कि विकास मतलब संसाधनों का सही उपयोग, वो ज़रूरत पूर्ति के, ज़रूरतमंदों के दिशा में होना चाहिए। और उसके लिए तकनीक की चुनौती है, जो गांधी ने कहा था स्वराज की भूमिका केवल लोगों की सत्ता की ही नहीं, लोगों को संसाधनों के आधार पर क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय करने की और तकनीक चुनने की भी हक और अधिकार होना चाहिए। सरदार सरोवर बांध अभी बना ही नहीं है, सरदार सरोवर बांध बन गया ये मोदी जी ने कहा है, उन्हीं के पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता गुजरात के, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। आज सरदार सरोवर की नहरों में 41,000 किलोमीटर छोटी नहरें बनना बाकी है और करीबन 40,000 परिवारों का पुनर्वास बाकी है, कई सारे पर्यावरणीय कार्य बाकी है जो कि शर्तें लगाकर मंजूरी दी गई थी, तो ये कैसे कह सकते हैं कि उस बांध पूरा हो गया, ये तो एक फेक फर्जी रजिस्ट्र डेडिकेशन लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ और 2000 साधु भी नहीं आए वाराणसी से और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं आए। तो मोदी जी 5 लोगों के साथ गए, उनका हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंचा, उन्होंने कोई गलत मुहूर्त चुना था ऐसा हमारे लोगों का कहना है, और पानी भर भी नहीं पाए, प्रकृति ने हम ही को बख्शा। और आज सरदार सरोवर बन गया है तो भी गेट खोलने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति केवल विस्थापितों की, ऊपरवास की नहीं, नीचे तो गुजरात की नर्मदा ख़त्म हो गई है, 100 किलोमीटर पूरी सूख गई है, अब जाके देखिए, और 50 किलोमीटर समुंदर अंदर आया है, तो नीचे के भी लोगों की मांग है, भारतीय जनता पार्टी की पंचायत है ऐसे भाड़भूत के 15,000 लोगों की मांग है, उन्होंने मोदी जी को काले झंडे दिखाकर यही कहा कि हमारा पानी हमको मिलना चाहिए, नर्मदा बहती रखनी चाहिए। तो विस्थापितों का सही पुनर्वास के साथ साथ लाभों का सही बंटवारा गुजरात के किसानों, मजदूरों के, आदिवासी दलितों के पक्ष में, और साथ साथ नर्मदा बहती रखना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और नर्मदा का पानी ऊपर के किसानों की बची हुई ज़मीनें वसाटों में नहीं दे रहे हैं, पर वो भी हम लेके रहेंगे, मछली पर अधिकार हम ले रहे हैं, 15 की सोसाइटियाँ तैयार हो गई हैं, 5 को महाराष्ट्र में मिला है, तो हज़ारों को ज़मीन मिली है, हज़ारों बाकी हैं। नहीं, ये संबंध में बन पाया क्योंकि सबने अपनी खुद की अस्मिता रखते हुए भी प्रतिष्ठा बाजू में रखी, और ये जो समन्वय है उसमें किसान मजदूर एकता की भावना अब ज़्यादा बन गई है, ये अच्छी बात है, उसमें मछुआरे और दूध व्यावसायिक भी जोड़े हैं। सही तो सब जगह अभी खबर भी नहीं गई है, फिर भी ये 10,000 किलोमीटर की किसान मुक्ति यात्रा बहुत काम आई है और अब ये समन्वय को आगे बढ़ाना है तो कुछ समन्वयिक स्थिति और नज़रिया बनने में देर लगेगी भी, लेकिन अभी मैं वीएम सिंह जी के संगठन के साथ चलते आई, नर्मदा के नारे उनको बताते आई, नर्मदा में की बहनें आई हैं, जिन जिन संगठनों की बहनें आई है वो अब पंजाब और यूपी के किसानों को भी कह रहे हैं कि आपके साथ आपकी बहनें अगली बार आनी चाहिए, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। तो यहाँ से जाकर ये दो कानूनों पर भी ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी है, पर एक सशक्त मैदानी लड़ाई भी ज़रूरी है जो आज से आगे तत्काल शुरू होगी, ये हमारा विश्वास है। और कल हमारी समिति ने वैसे ही कुछ निर्णय लिए हैं जो आज जाहिर होकर ही संसद समाप्त होगी।